मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में नई फसल का त्योहार पोंगल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक तरीके से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी हुई। महिलाओं ने पोंगल पर बनने वाले पारंपरिक पकवान बनाकर सूर्य देवता को भोग लगाया और पूजा के बाद उस प्रसाद को लोगों को खिलाया गया। आपको बता दें कि पोंगल का यह त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार की खासियत यह है कि महिलाएं पक्षियों को रंगे हुए चावल खिलाती हैं और अपने भाइयों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, तो तमिलनाडु में पोंगल, तो वही पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। एक नज़र खबर पर।